रीवा जिले में दहेज प्रताड़ना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छुट्टी में घर आए फौजी पति ने अपनी पत्नी को ही आग के हवाले कर दिया। उसे उसके चरित्र पर संदेह था। वह सुंदर थी तो उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी से चक्कर है। इस बात को लेकर विवाद होता ही रहता था। पत्नी को बीती रात फौजी पति ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में पत्नी के साथ पति के भी जलने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मैदानी में रहने वाली खुशबू मिश्रा को उसके पति संजय मिश्रा ने आग के हवाले कर दिया। खुशबू की शादी संजय से 9 वर्ष पूर्व हुई थी। खुशबू की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसका पति संजय उसे परेशान करता था। वह आए दिन मारपीट करता था, उसे भगाता था, दूसरी शादी के लिए कहता था। कई बार शिकायत भी थाने में खुशबू ने की, लेकिन परिवारजन उसे समझाकर शांत करा देते थे। बताया गया कि बीती रात पड़ोसियों की सूचना पर परिजन पहुंचे और खुशबू को अस्पताल लेकर आए। खुशबू की हालत गंभीर है। बताया गया कि फौजी पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करता रहता था। वहीं इस घटना को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी संजय गांधी अस्पताल पहुंची हैं और पीड़ित के परिजनों से बात की है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। क्या है माता जी आपका नाम? ललिता शुक्ला। क्या घटना क्या हुई? घटना हो गया, रात में हल्ला हुआ था, हल्ला गुल्ला हो रहा था यहाँ। पड़ोसी ने फोन लगाए सुबह, तो हम सोचे कि हो गया हल्ला गुल्ला हो गया, तो मारपीट मतलब आए हैं वहाँ से, तो दारू वारू पिए होंगे तो कुछ बोले होंगे। इनका रोज़ का यही हाल था, डेली यही हाल करते थे। क्या चाहते थे, क्यों ऐसा पता है, क्यों करते थे? बोलते थे कि चली जाओ हमारे घर से, मैं अब दूसरी की शादी करने वाला हूँ, इस तरह बोलते थे। क्या नाम है आपके पति का? खुशबू मिश्रा। पति का क्या नाम है इनके? संजय मिश्रा। ये कब शादी कर रहे थे इनकी? कई साल हो गए होंगे? 2013 में हुई है। ये क्या करते हैं पति इनके? आर्मी में है। नहीं तो लड़ाई थी, वो हर हमेशा इसी तरह करते थे, वो उसके साथ झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, हमेशा यही कहते कि मार जाओ, कुछ कर लो, हमारे घर से चली जाओ। उनके शक की बीमारी थी, किसी के यहाँ जाना आना उनको ये सोच रहे थे कि मतलब ये इतनी सुंदर है तो कोई इसको ये है वो है, सब अपने तरीके से मतलब शक करते थे। जबकि कल रात में वो दोनों बच्चों को लेके चले गए थे और वो रात में अपने घर में कमरे में थी, उसके पास ना फ़ोन है ना कुछ है, 6 महीने से फ़ोन ऑन कुछ नहीं है उसके पास। एक पड़ोसी ने हमारे हमसे बात करवाया तो रो रही थी, फिर बोल रोना नहीं, मैं आके आप कल ले आऊँगी अपने पास, फिर हो गया, बात ही नहीं करी। फिर वो जो करे होंगे, इतनी दहेज दे के मैं शादी करी हूँ। ये बच्ची आपको कहाँ मिली है कल रात को? मैं अभी आई हूँ गांव से, मैं गांव से अभी आई। तो आग लगने की सूचना कहाँ कैसे पता चली? पड़ोसी बताए कि आग लग गई, जो आए थे ले के साथ में वही बताए। क्या बताएं आपको? कि आग लगा लिए हैं, वो जल गई, बस हो गया। घर में ही जली है कि बाहर कहीं? घर में। पति कहाँ है अभी? पति भी एडमिट है, मतलब पकड़ उकड़ रहे थे वो, हो गए जैसे आग लगाई तो पकड़ते थे वो, मतलब जाने के लिए तो एक अच्छा मतलब ये सोच रहे थे कि बाहर ना निकलने पाए हैं। और अभी बच्ची भी बोल रही थी कि हमको 1 घंटा पानी में पड़ाए थे, आग लगाने के बाद पानी में पड़ाए थे, पानी डाले हैं, आग बुझाए, पानी डाले हैं और आग बुझाए। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे। आपकी बच्ची जो घायल है वो क्या बता रही, किसने आग लगाई है? कुछ आपसे बात कर रही हो? बात करती है थोड़ी बहुत। क्या बोली आपसे? कौन वो गाली गलौज खुद कर रहे थे। आग किसने लगाई थी? ये दहेज की मांग कर रहे थे, ये बोलते हैं कि और दहेज दहेज नहीं दिए अब, जबकि हम पैसा रुपया दिए हैं, 5 लाख नगद हार्ड कैश दिए हैं, लड़की को जेबर पूरा दिए हैं, फिर भी ये भी यही बोलते थे कि हमको कुछ नहीं दिया है, भिकमंगा के साथ घर के आई है तुम, यही ससुर राम सलोनी ने ही यही बोलते थे और यही विपिन जेठ भी बोलते थे, विपिन मिश्रा यही बोलते थे। ससुराल कहाँ पे है? ससुराल मटीमा बरहा में। यहाँ पे किराए से रहते?
नहीं, यहाँ खुद का घर बना। जी, पति पत्नी का विवाद है, ये सच्चा नगर है, करहिया के पास का एरिया है, चोरहटा थाना क्षेत्र का। तो इसमें पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है, जिसमें ये आगजनी की घटना हुई है, और वर्तमान में दोनों पति पत्नी बर्न हुए हैं, जिनका इलाज अभी वर्तमान में SGPU में चल रहा है। जी हाँ, आरोप लगाया जा रहा है दहेज को लेकर, क्या है दहेज? अभी इस चीज़ की जांच जारी है, और जांच में जो भी पाया जाएगा उसको आप लोगों से अवगत करा दिया जाएगा।